हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आज के मुकाबले में। भारत बना पाकिस्तान के बीच में महामुकाबला दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बड़ा मुकाबला हो रहा है दोस्तों। ये दूसरा T20 मुकाबला दोस्तों, भारत बना पाकिस्तान। इस बार पहली बॉल और ये यॉर्कर, क्या ही यॉर्कर मारो जयसवाल के लिए, क्या शुरुआत दिलाई यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान के गेंदबाज ने। यॉर्कर के साथ यहाँ पर दोस्तों चलता है क्या यशस्वी जायसवाल को दोस्तों। यहाँ पर हारिस रौफ ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करते हुए दोस्तों, यहाँ पर हारिस रौफ। आज के मुकाबले की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर विकेट खो दिया है भारत टीम ने। यहाँ पर पहली एक बॉल पर ही क्या ही यॉर्कर मारी यहाँ पर दोस्तों हारिस रौफ ने, चलता क्या था वहाँ पर यशस्वी जायसवाल को। शुभमन गिल इस बार राउंड द विकेट दोस्तों, 28 बॉल 89 रन की दरकार दोस्तों मुकाबले में करने के लिए। इस बार शुभमन गिल के लिए दोस्तों यॉर्कर के साथ यहाँ पर हारिस रौफ का इस्तेमाल किया, पहली बॉल पर यहाँ पर सिंगल दे दिया रोहित शर्मा के लिए दोस्तों। रोहित शर्मा की बात की जाए, उन्होंने अभी तक 51 बॉल का सामना किया है दोस्तों, 47 रन बनाकर खेल रहे हैं रोहित शर्मा, जिनकी बहुत ही लाजवाब तारीफ होती हुई दोस्तों आज के मुकाबले में। क्या लगता है दोस्तों इस मुकाबले कौन सी टीम जीतेगी, जरूर राय दीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। रोमांचक मुकाबला है इस बार। अगली बॉल दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा रहे राउंड द विकेट तैयार पर रोहित शर्मा दोस्तों, हारिस रौफ बिल्कुल यहाँ पर चेप शॉट मारने कोशिश है, पल्ले आई अच्छी है लेकिन पीछे फील्डर हो रही है, पकड़ा गया कैच। आ रही एक और विकेट यहाँ पर भारतीय टीम का दोस्तों गिरता हुआ। पाकिस्तान को एक और बड़ी सफलता मिलती हुई आज के मुकाबले में दोस्तों, बहुत ही बड़ा शॉट खेलने कोशिश की जा रही थी यहाँ पर रोहित शर्मा के बल्ले से चेप शेट मारने कोशिश। रोहित शर्मा आज भी दोस्तों आउट हो चुके हैं यहाँ पर, 47 रन बनाकर बहुत बढ़िया कैच पकड़ा वहाँ पर दोस्तों, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं वहाँ पर, फील्डर मौजूद दोस्तों मोहम्मद आमिर से। और यहाँ पर विकेट खोना पड़ेगा भारत टीम को, एक और विकेट, दो बॉल पर दो विकेट यहाँ पर हारिस रौफ ने दोस्तों प्राप्त कर ली। बहुत अच्छी बॉलिंग यहाँ पर हारिस रौफ के द्वारा दोस्तों। विराट कोहली आ रहे हैं मुकाबले में यहाँ पर भारत टीम दोस्तों, जरूर यहाँ पर दिक्कतों में, और 26 बॉल पर 88 रन की दरकार दोस्तों मुकाबले में करने के लिए। शुभमन गिल विराट कोहली दोस्तों दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। इस बार अगली बॉल शुभमन गिल के लिए तैयार है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल पैरों पर आई कला का इस्तेमाल किया है और गैप में शॉट है लेकिन एक रन के लिए बिल्कुल यहाँ पर आसान है, जहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों एक रन। और विराट कोहली आ चुके स्ट्राइक पर, पहली बॉल पर ही शुभमन गिल ने वहाँ पर सामना किया और स्ट्राइक रोटेट कर दी दोस्तों। यहाँ पर शुभमन गिल को लग रहा है कि हारिस रौफ को थोड़ा सा पढ़कर खेलने वाले इस बार विराट कोहली दोस्तों। 25 बॉल 87 रन की दरकार मुकाबले में करने के लिए हारिस रौफ बना विराट कोहली। इस बार पहली बॉल दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली के लिए अच्छी यॉर्कर दोस्तों यहाँ पर, लेकिन एक रन की मांग करी यहाँ पर विराट कोहली ने और एक रन आसानी से कम्प्लीट करते हुए दोस्तों यहाँ पर। और इसी के साथ ओवर समाप्त, भारत टीम को 24 बॉल पर 86 रन दरकार दोस्तों। शादाब खान आए ओवर लेकर और सामने विराट कोहली, जिनकी बात की जाए दोस्तों अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं अभी इसे जो इस सीरीज हो रही है हमारे बड़ी मुकाबले में दोस्तों। इस बार अगली बॉल तैयार है पर दिल को सामने मारने कोशिश है, बड़ा शॉट मारा है क्लैक इस्तेमाल करके, बेहतरीन शॉट बिल्कुल छेड़ के लिए, क्या शॉट है ये। इस बार देखिए दोस्तों बॉल को पढ़ा वहां पर और उस बॉल को पढ़ कर खेला, सामने मारा ये बड़ा शॉट पूरे 6 रन के लिए। अच्छी फॉर्म में दोस्तों यहाँ पर मुकाबले में दिखते हुए आज के में विराट कोहली अपनी दूसरी बॉल पर 6 रन बना चुके हैं और दो बॉल का सामना किया है मात्र और 7 रन बनाकर खेल रहे हैं यहाँ पर आज के मुकाबले में दोस्तों। विराट कोहली बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए शादाब खान यहाँ पर ओवर लेकर आए दोस्तों, 23 बॉल 80 रन की दरकार है। इस बार अगली बॉल दोस्तों बकला इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छी बल्ले पर ये बिल्कुल उठा के खेला है, बड़ा शॉट पूरे 6 रन के लिए। विराट कोहली के बल्ले दोस्तों बिल्कुल बहुत ही अच्छी फॉर्म में यहाँ पर मुकाबले में आज दबाव बनाकर खेल रही है यहाँ पर भारतीय टीम दोस्तों। पाकिस्तान पर कला एक इस्तेमाल किया है आउटसाइड ऑफ और बॉल को पढ़कर खेला यहाँ पर दोस्तों, और बिल्कुल बेहतरीन छक्का है, बहुत अच्छी पार दोस्तों आज के मुकाबले में विराट कोहली के बल्ले से। दो बॉल पर दो छक्के मार चुके हैं यहाँ पर शादाब खान पर और वो भी अपना पहला बल्ले कराए। 22 बॉल 74 रन दोस्तों। इस बार अगली बॉल आउटसाइड ऑफ एक और हवा में शॉट है, मिड ऑफ के ऊपर से मारने कोशिश और ये बेहतरीन प्राप्ति हासिल की यहाँ पर दोस्तों मुकाबले में, एक और छक्का। 3 बॉल पर 3 छक्के मार चुके यहाँ पर विराट कोहली दोस्तों, बिल्कुल अपने आप को यहाँ पर विराट कोहली ने चेंज कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर बॉलर लाइन लेंथ ढूंढ रहे हैं लेकिन वहाँ पर दोस्तों बिल्कुल कोहली उनको कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। अच्छी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज दोस्तों यहाँ पर मुकाबले में करते हैं विराट कोहली आज के मुकाबले में दोस्तों। बाबर आजम जरूर समझाना है यहाँ पर शादाब खान को, लेकिन दोस्तों शादाब खान की कोई गलती नहीं है क्योंकि विराट कोहली महान बल्लेबाज है। विराट कोहली इस बार अगली बॉल दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल पैरों पर बॉल है, कला इस्तेमाल है, बेहतरीन शॉट ये कवर ड्राइव के साथ चौका। वो दोस्तों भारत टीम की परिस्थिति को समझना जानते विराट कोहली, उनको पता है कि यहाँ पर क्या करना है और कैसे खेलना है, कैसे चलना है इस मुकाबले में दोस्तों। बिल्कुल अच्छी सोच है, जो अच्छी बॉल दोस्तों इस बॉल को भी चारने के लिए भेज रहे हैं बॉलर वहां पर दोस्तों, करे तो करे क्या, ये पावर है दोस्तों विराट कोहली की। 20 बॉल दोस्तों 64 रन की दरकार है मुकाबले में करने के लिए। जरूर दोस्तों यहाँ पर भारत टीम मुकाबले में दबाव में, लेकिन एक और हवा में शॉट मारा विराट कोहली ने, उठा कर खेला दोस्तों बिल्कुल सामने मारा ऊंचा और ये बहुत दूर गई पूरे 6 रन के लिए।
ये शायदर, ये लाजवाब शायदर दोस्तों आज के मुकाबले में जमा कर खेल विराट कोहली। देखिए दोस्तों बॉल वहां पर पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई और उस बॉल को क्या ही शॉट मारा है, सामने उठाकर खेला पर विराट कोहली ने और डाउन द ग्राउंड यहां पर विराट कोहली के बल्ले से बड़ा शॉट पूरे क्षेत्र के लिए दोस्तों, बड़ा रोमांच और इस मुकाबले में जरूर दोस्तों भारतीय टीम बनाकर खेल रही पकड़। 19 बॉल दोस्तों 58 की दरकार है। बिल्कुल दोस्तों विराट कोहली ने इस मुकाबले में अपने आप को रोक लिया क्योंकि मात्र 6 बॉल पर 29 रन बना दिए। इस बार अच्छा कवर रहा दोस्तों, बेहतरीन कवर रहा है और इसी के साथ अच्छी लास्ट बॉल थी वहां पर और सिंगल प्राप्त करते हुए यहां पर विराट कोहली स्ट्राइक पर आ चुके दोस्तों। फिर से विराट कोहली अपने पास रखेंगे विराट कोहली स्ट्राइक और यहां पर दोस्तों ओवर समाप्त हो चुका है। शादाब खान का अगला ओवर लेकर आया पर दोस्तों मोहम्मद हफीज को लाया गया अगला ओवर लेकर और दोस्तों बिल्कुल दोस्तों अच्छी बॉल डालते हैं इनकी भी। 18 बॉल दोस्तों 57 रन की दरकार भारतीय टीम जीतने के लिए। इस बार पहला ओवर लेकर आए दोस्तों यहाँ पर पहली बार विराट कोहली के सामने ओ फील्डर खाद यहाँ पर लेकिन एक रन के लिए भागे और एक रन साइंस कंप्लीट यहाँ पर दोस्तों बहुत तेज भागे। शुभमन गिल को स्ट्राइक रोटेट करते हैं यहाँ पर विराट कोहली ने। बड़ी बॉल दोस्तों बॉल कम है लेकिन रन ज्यादा है और भारतीय टीम भी विराट कोहली एंड शुभमन गिल दोस्तों क्रीज पर खड़े हुए आज के मुकाबले में। जरूर दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली लड़कर खेल रहे हैं आज के मुकाबले में। पाकिस्तान को दोस्तों रोक के रखा है भारतीय टीम ने। इस बार कला का इस्तेमाल दोस्तों गैप में शॉट है पीछे फील्डर लेकिन एक रन कंप्लीट आसानी से। बिल्कुल दोस्तों तेज भागे और वहां पर आसानी से यहाँ पर डाई लगाकर अपने आप को सुरक्षित किया और अपने आप को दोस्तों वहां पर आसानी से बेहतरीन पावर के साथ यहाँ पर दोस्तों मुकाबला चलता हुआ। 16 बॉल 55 रन की दरकार है यहाँ पर भारत टीम दोस्तों बल्लेबाजी करो कर रही है। इस बार अगली बॉल दोस्तों बिल्कुल बड़े शॉट की मांग है और ठाके के लायक लायक इस्तेमाल किया ये मारे तो मिड ऑफ के ऊपर से बहुत दूर हुई छेर गई। क्या शॉट है, क्या पारी, क्या बल्लेबाजी दोस्तों आज के मुकाबले में। दबाव था दोस्तों भारतीय टीम पर लेकिन उस दबाव को हटा कर खेलते हैं यहाँ पर भारतीय टीम में युवक बल्लेबाज जोशी जिनकी बात की जाए तो तगड़ा मुकाबला है, तगड़ा रोमांच है दोस्तों यहाँ पर भारत बनाम बहुत ही बड़ी बल्लेबाजी करती है यहाँ पर दोस्तों भारत। विराट कोहली जिनकी बात की जाए दोस्तों 9 बॉल का सामना किया है और बनाकर खेल रहे 37 रन। इस बार अच्छा कवर रहा है बेहतरीन शॉट पीछे फील्डर लेकिन एक रन के लिए भागे और एक रन आसे कंप्लीट दोस्तों यहां पर अच्छी पारी बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिख रहे दोस्तों आज के मुकाबले में भारतीय टीम दोस्तों। जरूर दबाव में थी वहां पर लेकिन उस दबाव को हटा कर खेल रही है बल्लेबाज। 14 बॉल दोस्तों 48 रन की दरकार है मुकाबले में करने के लिए। दबाव जरूर यहाँ पर शुभमन गिल एंड विराट कोहली दोनों बल्लेबाज करेगा क्योंकि अच्छी बॉल हो रही है इस ओवर में। इस बार दोस्तों शुभमन गिल के बल्लेबाजी ऊपर से मारा यहाँ पर उठाकर पॉइंट के लगे को चुना है छेदने के लिए। क्या पारी खेल रहे, क्या पारी दोस्तों, ये बिल्कुल दबाव को समझ जानते हैं बॉल को, वो हर बॉल को वहां पर पढ़ कर खेल रहे हैं और उस बॉल को बिल्कुल दोस्तों वहां पर छेदने के लिए तकदील करना जानते हैं यहाँ पर शुभमन गिल। बिल्कुल बहुत ही अच्छा शॉट है दक्षिण बहुत ही तरफ खेला गया दोस्तों ये शॉट लेकिन बहुत ही तगड़ा शॉट मारा यहाँ पर और ये कला एक इस्तेमाल करके खेला दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने। जिनकी बात की जाए दोस्तों 13 बॉल 42 रन दोस्तों। इस बार अगली बॉल मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश है ये गई है ये बहुत दूर गई दोस्तों यहाँ पर मिड विकेट के इलाके में बहुत ज्यादा ही गई है और ये बहुत दोस्तों घरों में जाके गिरी है बहुत लंबा छक्का यहाँ पर जो शुभमन गिल के बल्ले दोस्तों क्या शॉट मारा था। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और भारतीय टीम के लिए दोस्तों जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अगली बॉल की शुरुआत करते हैं विराट कोहली सामने 12 बॉल 36 रन की दरकार है। पहली बॉल दोस्तों अच्छी डाली पैरों पर बॉल है बिल्कुल दोस्तों विराट कोहली के बल्ले से ही सामने मारा ओ पकड़ लिया बॉल को दोस्तों लेकिन एक रन कंप्लीट। अच्छा थ्रो आगे लगा लेकिन उस बॉल को दोस्तों पकड़ कर खेला और आसानी यहाँ पर भारतीय टीम के नाम दोस्तों एक और सिंगल आ चुका है। क्या लगता है दोस्तों इस मुकाबले कौन सी टीम जीतने वाली है राय दीजिए दोस्तों। 11 बॉल 35 रन दोस्तों। इस बार अगली बॉल सामने मारने कोशिश जरूर दोस्तों हवा में है नीचे फील्डर है लेकिन लगता नहीं इनके पास कोई मौका है ये बहुत दूर है दोस्तों यहाँ पर इस बार शुभमन गिल के बल्ले से। क्या शॉट है दोस्तों यहाँ पर शादाब खान को लाया गया पाकिस्तान तरफ से लेकिन उन पर भी दबाव डालकर खेल रहे हैं यहाँ पर शुभमन गिल एंड विराट कोहली दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल दबाव बनाकर रखा है इन भारतीय टीम के लाजवाब बल्लेबाज करती हुई आज के मुकाबले दोस्तों भारतीय टीम। तो दोस्तों ये भारतीय टीम है इनको रोकना बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या लगता है दोस्तों ये मुकाबला जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से भारतीय टीम जीतेगी। 10 बॉल 2 रन की दरकार है सॉरी 10 बॉल 29 रन की दरकार है। इस बार अगली बॉल बिल्कुल दोस्तों बल्ले पर अच्छी आई है एक रन की मांग की है भागे बहुत तेज और एक रन कंप्लीट बहुत ही आसानी से। इसी के साथ दोस्तों 9 बॉल पर भारतीय टीम को 28 रन की दरकार लेकिन यहाँ पर छक्का बहुत ही बेहतरीन मारते दोस्तों शुभमन गिल है क्योंकि दोस्तों आज की बात की जाए तो इस मुकाबले में पकड़ बनाकर जो कर रही भारतीय टीम दोस्तों मोहम्मद रिजवान आपको थोड़े से कम दिखाई दे रहे होंगे। इस बार बड़े शॉट की मांग है ओ बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली का कट शॉट रोकते हुए यहाँ पर गेंदबाज अच्छी सोच के साथ बॉलिंग करते हुए दोस्तों यहाँ पर बहुत गेंदबाज यहाँ पर अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं दोस्तों बल्लेबाज भी बिल्कुल अपने अपने फॉर्म में दिख रहे हैं दोस्तों विराट कोहली।
इस बार तो कला इस्तेमाल किया, बॉल ज्यादा टर्न हो रही है, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकली है बॉल, लेकिन उस बॉल को पकड़कर खेला दोस्तों यहाँ पर एक और सिंगल। भारत ने बोलो दोस्तों यहाँ पर दबाव है, 7 बॉल पर 26 रन की दरकार दोस्तों। विराट कोहली तैयार है जिन्हें अभी तक दोस्तों 40 रन बनाकर खेले। विराट कोहली बहुत ज्यादा टर्न हुई, ऑफ साइड में टर्न हुई और उस बॉल को ऑफ साइड में यहाँ पर पॉइंट को ऊपर से मार दिया, बड़ा शॉट, पूरे 6 रन के लिए दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली के बल्ले से। लाजवाब पारी दोस्तों आज के मुकाबले में भारत टीम खेल रही है दोस्तों, मुकाबले में दबाव बनाकर खेल रहे हैं यहाँ पर शुभमन गिल। और दोस्तों आज इस मुकाबले की बात की तो 6 बॉल है और 20 रन की दरकार है, पैरों पर बॉल है, पीछे फील्डर है, लेकिन लगता नहीं किसी फील्डर को मौका है क्योंकि फ्लैट छक्का दोस्तों। ज्यादा बड़ी बाउंड्री नहीं है लेकिन बहुत ही बेहतरीन पारी यहाँ पर शुभमन गिल के बल्ले से। पहली बॉल दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों वहां पर पैरों पर डाली और उस बॉल को क्या ही पड़कर खेला यहाँ पर मिड ऑफ के ऊपर से, विराट कोहली के ऊपर, सर से ऊपर, थोड़ी सी ऊपर थी दोस्तों, लेकिन ये फ्लैट छक्का यहाँ पर दिखता है दोस्तों आज के मुकाबले में। 5 बॉल 14 रन दोस्तों, क्या लगता है कौन सी टीम इस मुकाबले की जीतेगी? 9 बॉल 29 रन बनाकर खेले दोस्तों शुभमन गिल। इस बार पैरों पर बॉल है और ये हवा में पच गए, एक रन का नाटक होने का चांस का मौका, लेकिन दोस्तों विराट कोहली है वो डाइव लगाकर अपने आप को बचा ही लेते हैं। विराट कोहली दोस्तों यहाँ पर बचाते अपने आप को, तो दबाव है मुकाबले में, बहुत बड़ा दबाव है। विराट कोहली जानते दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करना, इस बार विराट कोहली के लिए दोस्तों हवा में खेल दिया शॉट, नीचे है फील्डर, नहीं लगता और ये पकड़ लिया कैच। विराट कोहली का दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता पाकिस्तान को मिलती हुई, बड़े शॉट की मांग करे दोस्तों, बिल्कुल वो बाउंड्री के पार हो जाती, लेकिन दोस्तों फील्डर खत्म गई कैच। बहुत अच्छा शॉट मारा दोस्तों, परकट शॉट मारने की कोशिश यहाँ पर, बॉल को पड़ा दोस्तों थोड़े से अंदर की तरफ गए और ये बाउंड्री पे पकड़ा गया दोस्तों उनका, बड़ा कैच और ये दोस्तों बाबर आजम ने लिया है। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम ने विराट कोहली का कैच पकड़ा है और विराट कोहली 14 बॉल पर 46 रन बनाकर आज के मुकाबले में दोस्तों आउट होकर जा रहे हैं। जरूर दोस्तों पवेलियन जा चुके हैं विराट कोहली और इसके बाद आएंगे यहाँ पर श्रेयस अय्यर मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों, जो कि अच्छी पारी अच्छी परिस्थितियों में यहाँ पर दोस्तों संभाल ली होगी यहाँ पर शुभमन गिल को। 3 बॉल 13 रन, अगर एक भी डॉट बॉल तो पाकिस्तान को चांस वो जो मिल जाएगा दोस्तों, ये हवा में और ये आउट, एक और विकेट। ये पारी नहीं दोस्तों, ये कुछ ज्यादा खतरनाक पारी होती हुई इस मुकाबले में दबाव आ चुका दोस्तों भारतीय टीम पर। 2 विकेट खोले दोस्तों यहाँ पर, क्या बॉल डाल हफीज इस बार दोस्तों यहाँ पर, दो यहाँ पर उठाकर खेला शुभमन गिल ने, लेकिन दोस्तों वहां पर फील्डर मौजूद और नसीम शाह और पकड़ लिया कैच यहाँ पर शुभमन गिल की पारी दोस्तों यहीं पर समाप्त होती हुई आज के मुकाबले। 11 बॉल 30 रन बनाकर आउट हो चुके दोस्तों शुभमन गिल। अब भारतीय टीम को दोस्तों टाई के लिए चाहिए 12 रन टाई के लिए, 2 बॉल पर 12 और हारने के लिए दोस्तों भारतीय टीम के लिए चांस ही नहीं दोस्तों इस मुकाबले में कि जीत सके वो, चांस तो थे वो जा चुके हैं। ओ अच्छी बॉल वाइड मिल चुकी है, एक चांस आ चुका है दोस्तों भारतीय टीम के लिए। अब मुकाबले में वाइड डाल दी दोस्तों, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर दावेदारी है। ये बिल्कुल मारा है, ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने पहला शॉट मारा पर सामने बड़ा बल्लेबाज ये और ये बड़ा छक्का दोस्तों। ये जो वाइड बॉल गई है ये आपके लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है और वही मैंने कहा था, और ये एक छक्का लगा चुके हैं। अब एक बॉल पर 1-6 रन की दरकार है, 1 बॉल 6 रन सामने दोस्तों श्रेयस अय्यर और बॉलिंग करने आए दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद हफीज, श्रेयस अय्यर 1 बॉल 6 रन दोस्तों। क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? दूसरा दीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। इस बार पैरों के ऊपर बॉल है, हवा में शॉट है, मिड ऑफ के ऊपर से मारा ये दूसरा छक्का। ये पारी चली है, मुकाबला चला है और इस भारतीय टीम में दोस्तों ये मुकाबला क्या ही प्रैक्टिस के साथ और क्या ही बैटिंग के साथ ये मुकाबला 6 विकेट से महा मुकाबला दोस्तों भारतीय टीम ने प्राप्त कर लिया है और ये मुकाबला बिल्कुल दोस्तों जीत चुकी है। आप लोगों ने सही सुना, भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत लिया है। तो दोस्तों आप सभी से इतना निवेदन है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और भारत टीम के लिए अपना जरूर से कॉन्ग्रेचुलेशन कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। जय हिंद जय भारत।